नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम टू प्लेनेट 4। भारत ने अफगानिस्तान को भेजा शानदार तोहफा। भारत की तरफ से स्पेशल गिफ्ट पाकर भावुक हुआ तालिबान। थैंक यू बोलते हुए किया बड़ा ऐलान। चीन के सैनिकों ने लगाया जय श्री राम का नारा। वायरल हुआ LAC का जबरदस्त वीडियो। राम मंदिर को लेकर 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन OIC ने उगला जहर। क्या भारत की निगरानी में होगा पाकिस्तान का आम चुनाव? भारत की तरफ से पाकिस्तान जाएंगे 24 प्रतिनिधि। यूक्रेन को मदद देने से अमेरिका का साफ इनकार। रूस के साथ बीच जंग में बुरी तरह फंसा यूक्रेन। गाजा में 24 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद नेतन्याहू ने खाई कसम। कुवैत 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपने देश से बाहर निकालेगा। प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन 5,00,000 से ज्यादा राम भक्तों ने किया प्रभु श्री राम का दर्शन। मोर्चा संभालने खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। भारत के सभी नागरिकों को मिलेगा चिप वाला ई पासपोर्ट। पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने के लिए तैयारी शुरू। जन नायक के नाम से मशहूर कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। इन सभी हेडलाइंस के अलावा वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ। दोस्तों, भारत ने अफगानिस्तान को भेजा शानदार तोहफा। भारत अफगानिस्तान के लिए नया सुपर हीरो बन चुका है। भारत ने अफगानी दोस्तों को 40,000 लीटर मेलाथियान कीटनाशक भेजकर एक बड़ा काम किया है। टिड्डियों की तरफ से आई हमलावर टुकड़ी से निपटने के लिए यह कदम उठाया गया। आपको बता दें कि टिड्डियों का ये दल ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान की ओर से अफगानिस्तान पर चढ़ाई कर रहा है और इससे अफगानी फसलों को जो खतरा हो रहा है उससे खाद्य संकट का अंदेशा बढ़ चुका है। तो भारत ने तुरंत चाबहार पोर्ट के जरिए 40,000 लीटर कीटनाशक ड्रमों में भरकर अफगानिस्तान भेज दिया। इस पर अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत को धन्यवाद दिया और कहा कि इससे उनको टिड्डियों से लड़ने में बहुत मदद मिलेगी। वहीं चीन के सैनिकों ने लगाया जय श्री राम का नारा। वायरल हुआ LAC का जबरदस्त वीडियो। दोस्तों, भारत चीन बॉर्डर का एक वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में भारत और चीन के सैनिक जय श्री राम के नारे लगाते नजर आ रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि वायरल वीडियो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का है। वहीं राम मंदिर को लेकर 57 मुस्लिम देशों वाले संगठन OIC ने उगला जहर। अयोध्या में राम मंदिर का जश्न तो छाया हुआ है, पर इस उत्सव की आलोचना में इस्लामिक सहयोग संगठन ने भी अपना रंग जमाया। ये संगठन, जिसके पास 57 मुस्लिम देशों की सदस्यता है, उसने अपनी चिंता इजहार की है। OIC का कहना है कि बाबरी मस्जिद, जो सैकड़ों साल पुरानी थी, उसे गिराकर जिस तरह से राम मंदिर खड़ा किया गया है वो उनके लिए चिंता का विषय है। OIC के सचिवालय ने बयान जारी कर कहा कि अयोध्या में जो बाबरी मस्जिद पहले से ध्वस्त थी, उसकी जगह बनाए गए राम मंदिर का निर्माण और उद्घाटन उन्हें परेशान कर रहा है। उनका कहना है कि वो 5 शताब्दी पुरानी इस मस्जिद को तोड़ने के इन कार्यों की निंदा करते हैं। वहीं क्या भारत की निगरानी में होगा पाकिस्तान का आम चुनाव? भारत की तरफ से पाकिस्तान जाएंगे 24 प्रतिनिधि। दोस्तों, पाकिस्तान में चुनावी मेला सज रहा है और इस मेले में विदेशी मेहमानों की भीड़ भी जमने वाली है। अब बात करें मुर्तजा सोलंगी, पाकिस्तान के कार्यवाहक सूचना मंत्री की, तो उन्होंने मंगलवार को बड़ी खबर दी कि 8 फरवरी को होने वाले चुनाव पर अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारों और पर्यवेक्षकों की नजर रहेगी। और हां, भारत से भी 24 आवेदन आए हैं जिन पर पाकिस्तान सरकार विचार कर रही है। अब तक तो 49 विदेशी पत्रकारों को वीजा मिल चुका है और 32 और वीजा लाइन में हैं। इस बार तो ब्रिटेन, रूस, जापान, कनाडा, दक्षिण अफ्रीका और राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों से भी आवेदन आए। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली भंग होने के बाद कार्यवाहक PM अनवारुल हक काकर की सरकार चुनाव करवा रही है। इस बार की राजनीतिक जंग में PMLN, PPP और PTI मैदान में है। इमरान खान तो जेल में है, लेकिन उनका आरोप है कि सेना नवाज शरीफ का साथ दे रही है और चुनाव सही तरीके से नहीं हो रहे। वहीं यूक्रेन को मदद देने से अमेरिका का साफ इनकार। रूस के साथ बीच जंग में बुरी तरह फंसा यूक्रेन। दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच की जंग फरवरी 2021 से लगी हुई है। अब तक तो यूक्रेन को अमेरिका और उसके साथी देशों से जमकर सपोर्ट मिल रहा था, लेकिन अब क्या, अमेरिका के पास जेब खाली होने की बात चल रही है। पेंटागन ने भी 27 दिसंबर को यूक्रेन के लिए अपना आखिरी सहायता पैकेज की घोषणा की थी, जिसमें $25 करोड़ की मदद थी। इसमें तोप के गोले, एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें और भी कई चीज़ें थी। लेकिन अब अमेरिका मेक्सिको सीमा की सुरक्षा और अन्य नीतियों पर कांग्रेस और व्हाइट हाउस के बीच जो असहमति चल रही है, उसकी वजह से यूक्रेन और इसराइल के लिए $110 अरब से ज़्यादा की मदद अटकी हुई है। वहीं गाजा पर 24 इजरायली सैनिकों की मौत के बाद नेतन्याहू ने खाई कसम। गाजा में सोमवार को 24 सैनिकों की मौत के बाद इजरायल में मातम है। इजरायली डिफेंस फोर्सेस यानी कि IDF ने मंगलवार को उन्हें राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई की। इसके कुछ देर बाद प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने वॉर कैबिनेट के साथ बयान जारी किया। नेतन्याहू ने कहा जंग जारी रहेगी,
हमने अपने 24 सैनिक खोए हैं, इनके सम्मान में हमारे सिर झुक गए हैं, हम इनकी शहादत का बदला लेंगे। ये तय मानिए कि ये जंग आखिरी जीत तक रुकने वाली नहीं है। नेतन्याहू ने आगे कहा कि हमारी फौज इस वक्त दुश्मन के इलाके में बहुत अंदर तक ऑपरेशन में जुटी है। खान यूनिस को घेरा जा चुका है और वहां जबरदस्त जंग चल रही है। हमारे पैराट्रूपर्स ने पूरा इलाका घेर लिया। बहुत जल्द इस इलाके में आतंकियों का सफाया कर दिया जाएगा। वहीं कुवैत 1,00,000 से ज्यादा लोगों को अपने देश से बाहर निकालेगा। कुवैत अपने देश में गैर कानूनी तरीके से रह रहे लोगों से परेशान है। ऐसे में कुवैत सरकार इन लोगों के खिलाफ कड़े कदम उठाते हुए देश से वापस भेजने का फैसला कर रही है। गल्फ न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत सरकार ने देश में अवैध रूप से रह रहे 1,10,000 लोगों को निकालने का फैसला किया। कुवैती अखबार अल कबास के अनुसार कुवैत ने पिछले साल देश में निवास और श्रम कानूनों के उल्लंघन के साथ साथ अपराधों में शामिल होने के लिए रिकॉर्ड 42,000 प्रवासियों का निर्वासित किया। आपको बता दें कि कुवैत की कुल 46,00,000 की आबादी में विदेशियों की कुल संख्या लगभग 32,00,000 है। कुवैत में 10,00,000 से अधिक भारतीय रहते हैं। कुवैत दुनिया के उन 6 देशों में शामिल है जहां से सबसे अधिक पैसा भारत को भेजा जाता है। वहीं प्राण प्रतिष्ठा के अगले ही दिन 5,00,000 से ज्यादा राम भक्तों ने किया प्रभु श्री राम का दर्शन। मोर्चा संभालने खुद योगी आदित्यनाथ पहुंचे। दोस्तों, प्राण प्रतिष्ठा के बाद पहले ही दिन भक्तों की आस्था ने दर्शन का नया रिकॉर्ड बनाया। मंगलवार को 5,00,000 श्रद्धालुओं ने श्री राम दरबार में हाजिरी लगाई। मंदिर में रात 9 बजे तक दर्शन कराए गए। इंतजाम सुचारू बनाने के लिए शाम को सीएम योगी आदित्यनाथ ने खुद मोर्चा संभाला। आज सुबह 6 से रात 10 बजे तक होंगे रामलला के दर्शन। सिर्फ आरती भोग के वक्त रहेगी रोक। वहीं भारत के सभी नागरिकों को मिलेगा चिप वाला ई पासपोर्ट। भारत में तकनीक का जमाना आ चुका है। भारतीय नागरिकों को जल्द ही चिप वाले ई पासपोर्ट मिलने वाले हैं। ये तो बिल्कुल नया और अपग्रेडेड वर्जन है जो 2012 में शुरू हुए पासपोर्ट सेवा कार्यक्रम का अगला चरण है। और सुनिए, इस ई पासपोर्ट में तो बायोमेट्रिक्स, AI, डाटा एनालिसिस, चैटबॉट, लैंग्वेज प्रेफरेंस और क्लाउड कंप्यूटिंग तक का तड़का लगा होगा। इससे पासपोर्ट बनवाना तो आसान होगा ही, साथ ही डाटा की सुरक्षा भी जबरदस्त होगी। इस सॉफ्टवेयर को तो IIT कानपुर और NIC ने मिलकर बनाया है। सुरक्षा की तो पूछे ही मत। डाटा सेंटर, डाटाबेस और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सब सरकारी हाथों में रहेगा और नए पासपोर्ट में फोटो और फिंगरप्रिंट के साथ चिप भी होगी जो नकली पासपोर्ट बनाने वालों की चाले धरी की धरी रह जाएंगी। वहीं पेट्रोल डीजल के दामों में कटौती करने की तैयारी शुरू हो चुकी है। लोकसभा चुनाव से पहले जनता के लिए एक धमाकेदार खबर आ सकती है और ये खबर है पेट्रोल डीजल के दामों की कमी। खबर यह है कि कच्चे तेल के दाम तो जैसे झूला झूल रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तो $80 प्रति बैरल से भी नीचे गिर गए हैं। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी सरकार जनता को बड़ी राहत देने का मन बना सकती है। और सुनो, IOC, HPCL, BPCL जैसी सरकारी तेल कंपनियां तो हर लीटर पेट्रोल पर 11 रुपए और हर लीटर डीजल पर 6 रुपए का मोटा मुनाफा कमा रही है। तो इस बार लगता है कि जनता की जेब पर कुछ बोझ हल्का हो सकता है। वहीं जननायक के नाम से मशहूर कपूरी ठाकुर जी को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। 2 बार बिहार के मुख्यमंत्री रहे और जननायक नाम से मशहूर कपूरी ठाकुर को भारत रत्न से नवाजा जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनकी 100वीं जयंती से एक दिन पहले 23 जनवरी को ये घोषणा की। OBC आरक्षण देने वाले पहले मुख्यमंत्री थे कपूरी ठाकुर। वे फटा कोट पहनकर विदेश गए थे और कहते थे कि थूक देने से अंग्रेज बह जाएंगे। कपूरी ठाकुर ने 1939 में मैट्रिक पास की थी। इसके बाद दरभंगा के एक कॉलेज में एडमिशन लिया, लेकिन उनकी पढ़ाई बीच में ही छूट गई। वो अगस्त क्रांति में कूद पड़े। 9 अगस्त 1942 को दरभंगा में छात्रों की बैठक हुई। कपूरी ने क्रांतिकारी भाषण दिया। उसका असर ये हुआ कि सरकारी भवनों पर तिरंगा फहरने लगा, रेल की पटरियां उखड़ने लगी। कहा जा रहा है कि भाजपाई ने भारत रत्न देकर बिहार के बैकवर्ड वोट को लुभाना चाहती है। दोस्तों, आप नीचे कमेंट में बताएं कि क्या आप एक साथ पूरे देश और दुनिया की खबर देखना चाहते हैं। क्या हमें ऐसी ही और वीडियो बनाने चाहिए? दोस्तों, वीडियो में अंत तक हमारा साथ देने के लिए धन्यवाद। नमस्कार।